ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों भाई लगे हैं। अजय भैया ना आ गए फार्म हाउस में। अरे अरे यार, कहाँ जितने जल्दी पहुंच गए, इतना आसान नहीं था पहुंचना। ये वाला बैग लिया अपना, सामान भरा और निकल गए। ऐसे नहीं था, सब पूरी फैमिली आ रही थी भाई, पूरा ननिहाल, मामू का खाल, मामू की फैमिली, खाला की फैमिली, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली को लेके जाना था। तो जो है सारा बोझ आपके भाई के कंधों पर, इसलिए कि शौक भी मेरे को ही ज़्यादा था ना। फिर मैंने अपने मतलब की जितनी भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने इस बैग में भरी और हम निकल से निकल के हम डायरेक्ट पिकनिक की जगह पे नहीं गए, हम गए खाला के यहाँ हमको पिक करने। हाँ तो भाई यहाँ सबने वहाँ से निकले खाला के घर से, अब जा रहे हैं मामू के यहाँ गाड़ी कराई है यहाँ से, फिर वहाँ से निकलेंगे फार्म हाउस के लिए। गाड़ी में बैठे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं था, बार वीडियो बनाए, काम बहुत काम होते। हमारी सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई कि हम यहाँ रास्ता भूल गए, हमें अंधेरे की वजह से रास्ता नहीं दिखा और हम टूल प्लाजा क्रॉस कर गए और हम पहुँच गए बैरियर टाउन तक, और फिर बैरियर टाउन वाले गट से हमें घूम कर आना पड़ा वापसी टूल प्लाजा क्रॉस करने के लिए। फिर वही टेंशन, क्योंकि जब रास्ता भटक गए तो भाई फिर हमने फॉर्म हाउस ढूंढने के लिए हमारा दिमाग वहाँ लग गया और हम ब्लॉग नहीं कर पाए, तो वहाँ की फुटेज ले नहीं पाया और फिर फाइनली हम पहुँच गए फॉर्म हाउस। शक्ल नहीं दिख रही होगी लेकिन लाइटिंग यहाँ थोड़ी अभी, मैं सही जगह पे नहीं हूँ। फॉर्म हाउस पहुँच गए, अंदर आ गए और अभी जा रहे हैं सामान उतारना गाड़ी में से। यही होता है भाई, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ गर्मी मुझे लगी थी, मैं रात गेम खेल रहा था, फुटबॉल गेम बोले तो। और जो अभी मैं हम लोग पहुँच गए, अभी ज़रा मैं खाने वाने का देख लूँ, टिक्के पकाने, फिर थोड़ा वेट करें आप लोग। गाड़ी में से सामान उतारना और खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, सारे काम देखने की वजह से लड़का ब्लॉग नहीं कर पाया। अभी जो है कोयले देख रहे हैं टिक्के बनाने के लिए, अशरफ अंकल हमारे लगे हैं कोयले दिखाने के लिए। राड़ गेंद चल रहा है, तो भैया चेंज कर लिया मैंने, शॉर्ट पहन लिया और शर्ट पहन लिया, दूसरा शॉर्ट और दूसरी टी शर्ट। अभी ये क्रिकेट चल रही है, इधर टिक्के बन गए, क्रिकेट खत्म हो गया पबजी खेलेंगे, इधर क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट खत्म हो गई है पबजी खेलेंगे, पबजी क्रिकेट खत्म पबजी। हाँ भाई खाना बनाने की बात रही थी, भाई इस वक्त कीमा भून रहे हैं, कीमा भून रहे हैं, बाहर टिक्के बन रहे हैं। मैं अभी रूम में हूँ लेकिन हमारे इधर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें रहना कहाँ पे, हाँ बाहर खेलना है, पकाना है, नहाना है फुल टाइम। हेलो, हाँ भैया खाना पक गया और खाने की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाई खाना खा लिया, जरा क्रिकेट चल ली, क्रिकेट तो देखें जरा आप लोग क्रिकेट के सीन्स। अर्शी भाई ने बॉल बाहर फेंक दी है, अब वो आउट हो गए। अर्शी भाई आपने बॉल बाहर फेंक दी, अब मैं जाऊंगा बैटिंग पे, देखते हैं क्या करता हूँ। वैसे तो लड़का शॉट कड़क खेल रहा है लेकिन आपका भाई भी किसी से कम थोड़ी है। हाँ चोर भाई कैरम खेला, कैरम में जीत गया और हाथ में स्टिक देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम स्नोकर खेल रहे हैं, तो मेरा अभी स्नोकर चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। मैंने एक पीस मार दिया। हाँ तो भाई सुबह हो गई है, मैं भी सो गया था रात को ताकि सुबह एंजॉय कर सकें यहाँ पे दिन में, तो जो है 2-3 घंटे सोया मैं। अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी जो हमने रात को बॉलें फेंकी थी हम वो बॉलें ढूंढने आ रहे हैं सोचने में। ये मेरे पीछे आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन नहीं है, ये रात को यहाँ पे इसकी ओस गिरी है, अब जब मैं इसके घास के ऊपर चल के आ रहा हूँ ना तो यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा है। अरीब भाई जा रहे हैं वो देखेंगे डिज़ाइन बनाते हुए, यार मैं जाऊँगा, मैं भी डिज़ाइन बनाते हुए जाऊँगा। हाँ तो भैया यहाँ धूप निकल आई है भाई, धूप आ गई है निकल के, और जो है 7:05 हो रहे हैं अभी और धूप निकल आई है यहाँ, यहाँ की धूप अच्छी जल्दी आई थी, नेस्ती नहीं है शहर वाली की तरह। और फिर आपके आई ने बोला क्यों ना झूला झूल लिया जाए भाई। कल
कल रात के हम यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तक हम पूल में नहाने के लिए नहीं गए, तो अभी हम जरा अभी जरा हम पूल में आए हैं। कीड़े हैं पूल में भाई, कीड़े हैं यहाँ पे पूल में, है ना भाई। और भी हैं नीचे, और भी हैं, आपको दिख रहे होंगे तैरते हुए। अरे भाई पूल में बैठे हैं, जब से यहाँ आए पहली बार अभी पूल में घुसे हैं, सही है ना भाई। अभी ज़रा इंजॉय हो, अभी थोड़ी देर बाद में आज मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। सबसे आसान पुशअप्स लगाना है पानी के अंदर। तो भैयान बहुत गर्मी हो रही है, स्विमिंग पूल से निकल के क्रिकेट खेल लेते हैं। अभी जो है दोबारा भाई मैं तो पूल में आ रहा हूँ, चेंज कर लिया मैंने दोबारा। नहाओ बस पानी में, पूल में नहाओ। और फिर इतना नहाने धोने के बाद दोपहर के खाने में भैया जी थी बिरयानी, और हमने धमाके पूरी बिरयानी। यार यहाँ जी कड़क धूप हो रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन इस वक्त प्यारा मौसम हो रहा है ना, बहुत टाइट मौसम आ रहा है यार। हमें पता है हमारी हालत बहुत बुरी हो रही है, मगर अब क्या कर सकते हैं, घर जाके हम प्रॉपर नहा के ज़रा साफ सुथरा। यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया और कोई ऐसे ख़तरनाक बादल हैं मेरे पीछे बारिश के, दिख रहे होंगे। बस हुई ना तो, और हाँ बादल देख के याद आया, जब हम कराची से जा रहे थे बाहर तो कराची में बारिश होगी, अब जब हम वहाँ से निकलने वाले हैं तो वहाँ पे भी बारिश होगी, क्या बात। इन्हीं खूबसूरत बारिश की बूंदों के साथ अपने दोस्तों शेख को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। इसी अपने पन के दुआओं में याद रखिएगा। पीस, खुदा हाफिज़।